नमस्कार, मैं हूँ ललित राठिया छत्तीसगढ़ से। तो आज हम लोग आए हैं डोंगरगढ़, तो कलवारी यहाँ क्रूस का मंदिर है ऊपर में, पहाड़ के ऊपर में। तो चलिए पूरा वीडियो बनाते हैं। लोग सविना मैम के द्वारा यहाँ पर लाया गया है, तो उन्हीं के मार्गदर्शन से यहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, अभी बन रहा है ऊपर में और ईसा ऊपर मसीह यहाँ का कुछ क्रूस का मंदिर मंदिर है। तो चलिए पूरा वीडियो दिखाता हूँ आप लोग को। हाँ हाँ और यहाँ पे अपनी माता दुखी अपनी माता माता मरियम के हाँ दुखी माता अपने बेटे को हाँ हाँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सविना मैम द्वारा बताया जा रहा है कि क्या क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे बन रहा है, बहुत ऊपर है। अरे थोड़े की अरे मेरे लिए भी तोड़ना ना। ये क्या कर रहे हैं? यीशु को जो क्रूस धोया हुआ था शायद यहाँ पे, हाँ दिए हैं। हाँ तो जो उसका चेला था, हाँ सिमोन, हाँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ का पूरा वीडियो और जो यीशु द्वारा हुआ जो हुआ है उसको बताया गया है। तो बहुत ऊपर में है, पहाड़ के ऊपर में क्रूस का। तो देखिए दोस्तों, अभी ऊपर में क्रूस का चर्च है, बोलिए ऊपर में। तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। क्या क्या है? हाँ, तो पूरा यहाँ का दृश्य और क्या प्रतिक्रिया होगा उसको दर्शाया गया है। तो उनको बता रहे हैं हमारे सविना मैम द्वारा। हम लोग भी आप ही के वो से आप आ रहे हैं, नहीं तो जान बूझ के काट दिए हैं, दूसरी बार गिरते हैं। हाँ हाँ, तब का वो दृश्य है। तो देखिए दोस्तों, तो इसको हाँ तो कौन तोड़ा है? आप लोग के धर्मों से। हाँ तो चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो में देखते रहिए। बहुत ऊपर आ गए हैं ना, और थोड़ा और बचा है। देखिए सातवां हुआ है, चौथा सातवां स्थान में पहुंचे हैं अभी, और सातवां बचा है। तो यहाँ पर फिर और एक तो दृश्य है, देखिए दोस्तों अभी उसका विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं मैम। हाँ जितने भी विश्वासी गढ़ रहते हैं, हाँ जो यीशु को जो सताया जाता है उस समय, जितने भी रहते हैं, हाँ हाँ तो चलते हैं। ये है कौन सा? ये सात आठवां आठवां चौदह। तो और छह और बचा है ये ऐसे में। हाँ,
तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे का नौवां स्थान में क्या बोलते हैं ईसा मसीह। ये है नौवां, तो ये क्या हो रहा है? तो यहाँ का थोड़ा आंसू से काली क्या लिखा है, प्रभु की आंखों में ऊपर लगी हो रहती है। हाँ हाँ प्रभु की आंखों में। हाँ हाँ तो देखते हैं दोस्तों आगे, ये नौ दसवां है। जो कपड़ा पहने रहते हैं, हाँ हाँ तो उतारते हैं जो सिपाही लोग रहते हैं। हाँ तो ये है दसवां स्थान में यीशु के कपड़ों को उतारते हैं, उनका दृश्य है। तो पूरा वीडियो में बने रहिए दोस्तों, आगे आप लोग का पूरा नज़ारा यहाँ का दिखाने वाला हूँ। चरवाहा मैं हूँ बोल रहे। तो यहाँ पर ये कौन सा स्थान है? हाँ ये है क्या? हाँ 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 ग्यारहवा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ईसा मसीह को क्रूस द्वारा लटकाया गया है, तो बहुत ही दुखद दृश्य है। यहाँ का नज़ारा देखो, बहुत हम लोग पहाड़ के ऊपर आ गए हैं, तो यहीं जलाएंगे कि ऊपर ऊपर में जुन और दो ऊपर में भी जुन है कि ऊपर में जलाएंगे, तो यहाँ भी जल ऊपर में जला देंगे। हाँ जो सिपाही रहते हैं, हाँ लोग मारते हैं, उसके बाद ही ऊपर में क्रूस में लटका देते हैं। तो यहीं जलाएंगे कि तो चल पांच कौन पकड़ा है? हाँ चलो चलो। तो चलिए दोस्तों आगे का दृश्य आप लोग को पूरा दिखाने वाला हूँ। तो बारहवां दृश्य देख लिया ना, ये तेरहवां में क्या है? तो चलिए आगे। तो बस आगे पहुंचने ही वाले हैं क्रूस के ऊपर में बना हुआ है चर्च। ये वाला क्या है? कब्र में रखा जाता है, यीशु मसीह को वहाँ से लाते हैं। हाँ तो यहाँ पर यीशु को कब्र में रखे जाते हैं। तो ऊपर भी चढ़ेंगे,
यहाँ पे वहाँ जो यीशु मसीह को क्रूस में ठोका गया था, तो वहाँ से जब यीशु मसीह मरते हैं ना, उस टाइम पूरी तरफ से अंधकार छा जाता है। फिर उसके बाद में यीशु मसीह को अपनी माता मरियम और जोसेफ और उनके चेलों के द्वारा उतारा जाता है, फिर अपने कब्र में रखा जाता है। 3 दिन तक की कितना कब्र में रखा हुआ है, 3rd दिन में जी उठता है। हाँ चलो ठीक है, तो आगे और दिखाते हैं आप लोग को। तो ये लास्ट स्टेज है दोस्तों, देखिए अभी यहाँ पर ये है डोंगरगढ़ ब्लॉक का, ये है चर्च, ये है पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। तो आप लोग देखिए यहाँ का पूरा दृश्य, यहाँ का पूरा नज़ारा, और यहाँ क्या उसको निकाल दिए हैं। हाँ जो जो कि 9 दिन की कितना दिन 40 दिन 40 दिन रहता है वो उस समय यहाँ आते हैं। करते हुए यानी हर दिन का अलग अलग करते आते हैं कि हर शुक्रवार को रोजरी प्रार्थना करते हुए यहाँ तक आते हैं और उस दिन उपवास रखा जाता है और यहाँ प्रार्थना करके और अपने जो जितने भी पाप किए रहते हैं उनके लिए क्षमा मांगते हैं और यहाँ प्रार्थना करते हैं। हाँ चलिए तो आगे तो देखिए दोस्तों ये है लास्ट स्टेज, यहाँ पर क्रूस है बहुत बड़ा बना है। तो आप लोग भी कभी डोंगरगढ़ आइएगा तो यहाँ पर भी देखने के लिए आ सकते हैं, बहुत ही यहाँ का खूबसूरत नज़ारा और यीशु मसीह का पूरा वर्णन किया गया है उनके बारे में। तो यहाँ से पूरा डोंगरगढ़ आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। मंदिर भी दिख रहा है माँ बम्लेश्वरी का, यहाँ से दिख रहा है वो जो दिख रहा है पूरा ये पहाड़, ये बम्लेश्वरी माँ का मंदिर है, वहाँ से दर्शन करके हम लोग आ गए हैं। और ये है पूरा खूबसूरत नज़ारा यहाँ का, ये पूरा डोंगरगढ़ यहाँ का बहुत खूबसूरत नज़ारा, आप लोग भी आइएगा कभी, बहुत ही सुंदर दृश्य। तो यहाँ का पूरा दृश्य देखिए दोस्तों, खूबसूरत नज़ारा है, पहाड़ों के बीच में सबसे ऊपर में है ये, और ये माँ बम्लेश्वरी मंदिर जो दिख रहा है वो बम्लेश्वरी माँ का मंदिर है। उसके बाद मोमबत्ती जलाएंगे। आप जला दो ना उसको। तो अभी निकल रहे हैं दोस्तों यहाँ से। अभी कहाँ